सेवा डी एडिक्शन सेंटर वालों ये वैन जी की गई है मूव, तुम्हें पता कोविड का टाइम चल रहा है इस करके लोगों लिए इतने आना मुश्किल है। सो मोबाइल वैन एक लॉन्च की गई है इन वालों, इन वालों काउंसलर होंगे, नर्सिंग स्टाफ होंगे कि उत्थे जाके काउंसल कर सकन, लोगों को दस सकन। हुणे मेरी इन्हां नाल गल हो रही सी ते अराउंड 30-40% बंदियां नूं इह भी नहीं पता कि आपां डी एडिक्शन एक प्रोसैस है जिहदे विच कोई दवाई यूज़ करके नशा छड्डिया जा सकता। सो उहदे बारे काउंसलिंग की जाऊगी, पॉपुलराइज किया जाऊगा, लोगों को अवेयर किया जाऊगा कि इहो जिहा एक ड्रग हैगा ते जे तुसीं सेंटर ते आके करते हो, क्योंकि बड़ियां मिसकनसैप्शनस ने कि उत्थे सेंटर ते पता नहीं बन लैंदे है ते किहो जिहा उत्थे माहौल हुंदा है, असीं जाके उत्थे ठीक होवांगे नहीं होवांगे। सो सारिया मिसकनसैप्शन दूर करके जो एक्चुअल च चीज़ हैगी है तो बड़ा सिंपल प्रोसैस है अपने आप में जो नशा छड़ना चाहो तो वो बारे पॉपुलर कर। हेल्पलाइन भी हैगी है जिसे अगर किसी को पता लगे इस जगह पर नशा बिकता तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। वो साढ़े 112 जी है पूरे स्टेट की हेल्पलाइन है। सो उस तो बाद जिले वाइज डायरैक्ट किया जाता। इस तो अलावा 181 भी सू टिप्स आदि रही कि कोई बंदा जो नशा बेचता साढ़े को इनफॉर्मेशन आती है असी उस बंदे नू सोर्स नू भी सीक्रेट रख के उस ते एक्ट करते हैं। सानू काफ़ी रिकवरीज भी हुई हैं।